जेनरस आगे बढ़े हम रिपेयर सब पीपल एक्ट पर जाने होम और भी एक्ट कहते हैं 1950 देखिए सबसे इम्पोर्टेंट है जो भी इलेक्शन होता है वोट के लिए अभी नेक्स्ट इलेक्शन लगभग फरवरी से 2024 तक हो जाएगा लग रहा है जनरल इलेक्शन उसका शेड्यूल अभी डेटा नहीं हुआ है तो चलिए अभी आरोपी वाले जानते हैं इसका काम क्या है इसका फंक्शन क्या है। देखिए जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है ये इंडियन पार्लियामेंट पास हुआ था 1950 को ये ऑर्डर ऑफ नेशनल इंटरेस्ट स्टेट लेवल इलेक्शन सिस्टम उसके रिलेटेड था। देखिए जो याद रखिएगा हम आरपीए मतलब याद रखना जो पीपल एक्ट में बोल रहा हूँ जब हम यूज कर रहे हैं इसको 1950 का मेन गोल क्या क्या था देखिए डिस्ट्रीब्यूट करेगा सीट ऑफ लोकसभा एंड स्टेट लेवल काउंसिल एंड असेंबली। देखो डिलिमिटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंसी फॉर द इलेक्टोरल प्रोसीजर देखिए जो वोटर एलिजिबिलिटी है और डिस्क्वालिफिकेशन है तो कौन सा ग्राउंड है उसका डिस्क्वालिफाई करने के लिए वोटर को और उसका एलिजिबिलिटी क्या क्या रहेगा। देखो प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स तो इलेक्टोरल रोल्स भी प्रिपेयर करेंगे एंड मैनर ऑफ फिलिंग ए सीट जैसा एक सीट फिल होगा तो उसको मैनर भी ये डिसाइड करेंगे ये एक्ट से रिलेटेड। ठीक है सीट एलोकेशन कैसे होता है देखिए द फोर शेड्यूल जो अंडर आरपीए 1950 जो कंटेन करता है प्रोविजन प्रिपेयरिंग एलोकेशन ऑफ सीट मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ वेरियस पोस्ट जैसे देखिए फर्स्ट शेड्यूल में क्या है देखिए सीट ऑफ द लोकसभा जो एलोकेट किया जाएगा टू द स्टेट रिजर्व फॉर द मेंबर ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब तो इसी से रिलेटेड है। सेकंड शेड्यूल में क्या बोलता है देखिए टोटल नंबर ऑफ सीट ऑफ द ईच स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली लिस्टेड इन सेकंड शेड्यूल तो जितना भी लेजिस्लेटिव असेंबली है तो उनका मतलब सेकंड शेड्यूल में रिलेटेड है स्टेट का पहला में लोकसभा था सेकंड में देखिए पहले में लोकसभा था उसके बाद रिजर्वेशन था एस सी एस टी के लिए सेकंड शेड्यूल में देखिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का लिस्ट और शेड्यूल है कितना सीट होना चाहिए। थर्ड शेड्यूल में क्या बताया है देखिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल जैसा कि आप सेंट्रल लेवल में क्या रहता है राज्यसभा ये रहता है लेजिस्लेटिव काउंसिल डिटेल इन थर्ड शेड्यूल रिलेटेड फोर्थ शेड्यूल क्या है देखिए लोकल अथॉरिटी और लेजिस्लेटिव काउंसिल इलेक्शन और लिस्टेड द फोर्थ शेड्यूल तो जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है लोकल अथॉरिटी से रिलेटेड तो उनका इलेक्शन के बारे में फोर्थ शेड्यूल में देखिए इलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है ऑल सीट ऑफ द लोकसभा शैल बी फिल्ड बाय पर्सन चूजन बाय द डायरेक्ट इलेक्शन जैसा कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है और जो पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूशन इन द स्टेट तो ताकि मतलब स्टेट का लोकसभा जैसे चलता है इस हिसाब से स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में उस हिसाब से चलता है जैसा कि राज्यसभा में रहता है राज्यसभा में उस हिसाब से ये स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल में रहता है लगभग। देखिए इसका डिलिमिटेशन क्या क्या है देखिए जो एक्ट है और प्रोसीजर ऑफ एस्टैब्लिशिंग लिमिट्स और बॉर्डर ऑफ ज्योग्राफिकल कॉन्स्टिट्यूएंसी इन ए नेशन और जो प्रोविजंस विथ ए लेजिस्लेटिव बॉडी नोन एज डिलिमिटेशन जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये हाई पावर बॉडी है ये रेस्पॉन्सिबल करता है ड्रॉइंग द बाउंड्री ऑफ द नेशनल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूशन इन इंडिया। देखिए इसका डिसीजन जो लीगल स्टैंडिंग है एंड कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट तो याद रखिएगा तो इनका जो डिसीजन रहता है आप चैलेंज नहीं कर सकते कोर्ट में ताकि डिलिमिटेशन कमीशन का। देखिए दिस ऑर्डर्स कम इनटू फोर्स एंड डेट टू बी स्पेसिफाइड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन हिज बिहाफ जिस दिन मतलब ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया से बिहाफ से रहेगा जिस दिन मतलब ये फोर्स हो जाएगा जब उनका साइन रह जाएगा साइन कर देंगे तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया उस दिन से वो लागू हो जाएगा। देखिए जो डिलिमिटेशन कमीशन है ये स्टैब्लिश होता है इंडिया में चार बार फोर्ट है जैसा कि 1952 में हुआ पहली बार 1963 1973 एंड 2000। देखिए प्राइमरी रेस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कमीशन का ये क्या कर रहा है देखिए रिड्रॉ कर रहा है बाउंड्री जो वेरियस असेंबली ऑफ लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी बेस्ड ऑन द रिसेंट सेंसस तो अभी 2011 का सेंसस अभी करेगा। देखिए इलेक्शन कमीशन शैल बी कंसोलिडेट डिलिमिटेशन ऑर्डर एंड डिलिमिटेशन कमीशन इनटू वन सिंगल ऑर्डर नोन एज द डिलिमिटेशन ऑफ पार्लियामेंट्री एंड असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑर्डर।